चलिए, सबको जय हिंद, सबको जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम समझेंगे एलईडी बल्ब के बारे में। किसके बारे में? एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब देखें, एलईडी बल्ब तो सब कोई देखा होगा, ऐसा कोई है जो एलईडी बल्ब नहीं देखा आज तक? चलिए चलिए देखते हैं एलईडी बल्ब के बारे में। एलईडी बल्ब के बारे में आज समझेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है, कि जो एलईडी बल्ब होता है वो कैसे काम करता है। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब जो हमारा एलईडी बल्ब होता है कैसे काम करता है। देखिए, एलईडी बल्ब तो सबको देखा होगा घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में चार पांच एलईडी बल्ब ना लगे। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें चार पांच एलईडी बल्ब ना लगे, ठीक है। सबके घर में चार पांच एलईडी बल्ब लगा होगा, आप देखे भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एलईडी बल्ब काम कैसे करता है। आपको ये नहीं पता है कि एलईडी बल्ब जो होता है वो काम कैसे करता है, चलता कैसे, जलता कैसे, बढ़ता कैसे, लाइट कैसे देता है। इतना तो समझना चाहिए कि जो हमारे घर में एलईडी बल्ब लगा है, आखिर उसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं कि जो एलईडी बल्ब होता है वो जलता है, प्रकाश देता है, अंधेरे को क्या करता है, उजाला कर देता है। कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं एलईडी बल्ब में जो उजाला यानी लाइट देते हैं, यानी प्रकाश देते हैं। क्या देता है? लाइट। एलईडी बल्ब क्या देता है? लाइट देता है, यानी प्रकाश देता है, ठीक है। एलईडी बल्ब क्या देता है? प्रकाश देता है। उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। पहले देखेंगे जो एलईडी बल्ब होता है। देखिए, शुद्ध नाम है बल्ब, शुद्ध नाम होता है बल्ब, क्या बल्ब, लेकिन गांव में इसको लोग बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब। जैसे ललटेन को लोग लमटेन बोलते हैं, ललटेन को लोग लमटेन बोलते हैं, उसका शुद्ध नाम है ललटेन लेकिन बोलते हैं लमटेन। ऐसे इसका शुद्ध नाम है बल्ब। क्या नाम है? बल्ब, लेकिन लोग बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। बल्ब नहीं बोलना है, बल्ब बोलना है। क्या बोलना है? बल्ब। क्या बोलना है? बल्ब बोलना है, ठीक है। देखिए, मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, आपको दिखाते हैं। कई लोग होंगे जो महात्मा महापुरुष एलईडी बल्ब नहीं देखेंगे, ठीक ना। ये है एलईडी बल्ब, दिखाई दे रहा है एलईडी बल्ब, ये है एलईडी बल्ब, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, अच्छे से दिखाई दे रहा है एलईडी बल्ब। देखिए, अब इसमें कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसका क्या नाम है, इसके अंदर कौन कौन से मशीन, क्या बोलते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, इस कैसे जलता है, कैसे लाइट देता है, इसी के बाद कितने वाट का आता है, कौन अच्छा है कौन खराब है, इसी के बाद पूरा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, अभी रख देते हैं, पहले यहाँ समझते हैं। देखिए, एलईडी का पूरा जो नाम होता है, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का जो पूरा नाम होता है, एलईडी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। एक मार्कर, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका हिंदी होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब हम समझेंगे कि एलईडी में सबसे पहला आपका होता है कैप। क्या होता है? कैप, बी ट्वेंटी टू डी कैप, या बायोनेट कैप। जो एलईडी बल्ब होता है, अभी हम एलईडी बल्ब दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन कैप है, कौन हाउसिंग है, कौन एमसीपीसी प्लेट है, कौन हीटसिंग है, कौन डिफ्यूजर है, अभी सब आपको याद आ जाएगा। आप देखें, आप उस बल्ब को, हर एक पार्ट को देखें, लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि कौन पार्ट का क्या नाम है, क्या काम है, लेकिन इसी को जानना है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा उसके बारे में निचोड़ जाएंगे, लेकिन अगल बगल के जो कुछ भी आपके, मतलब अगल बगल के जो बेसिक चीज़ हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। आपको भले से पूरा नहीं जान पा रहे हैं, पूरा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो अगल बगल के जो जितने भी चीज़ हैं, जैसे लाइट हो गया और किसी, मतलब जितने भी चीज़ हैं, उसको बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। आज के ज़माने में बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। अब मान चलिए कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, एक छोटा सा तार टूट गया या छोड़ देता है, तब मार्केट लग जाते हैं बनवाने, मार्केट लग जाते हैं उसको जुड़वाने के लिए। अब बताइए क्या फ़ायदा उसकी फिजिक्स पढ़ने से? वो फिजिक्स का स्टूडेंट है। अब छोटा सा किसी घर का या तार जोड़ना है या तार टूट गया है तो उसको आप लग दिया, कोई चीज़ बिगड़ गया तार जोड़ना है, तो आप उस मार्केट में झोला में पैक करके लग जाते हैं मार्केट में जुड़वाने के लिए। अरे कम से कम आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो उतना आना चाहिए ना कि तार कैसे जोड़ना है। अब उसके पूरा बारे में, ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह के बारे में आप पढ़े भी हैं, तो आपका दिक्कत क्या है? अब ये सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ आनी चाहिए। ये नहीं कि आप इंजीनियर बनिए जाइए। देखिए, इंजीनियर का बात नहीं है, जो मार्केट में जो सोल्डिंग वगैरह जो तार जोड़ते हैं जो दुकान पे, वो तो अभी फिजिक्स के बारे में पढ़े भी नहीं होते, लेकिन उनको इतना बेसिक चीज़ पता है।
इसलिए छोटे छोटे चीज को समझना देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ध्यान समझिएगा, एलईडी बल्ब। इसी एलईडी बल्ब का एक एक पार्ट हम खोल करके रखे हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे कि एलईडी बल्ब में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसका क्या नाम है और क्या काम है। देखिए सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर कैप, कैप दिखाई दे रहा है, कैप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा होगा पूरा अच्छे से। ये है कैप, इस कैप का नाम है B22D कैप। क्या नाम है? B22D कैप। कैप का क्या नाम है? B22। ये अलग अलग साइज के आते हैं। अगर बड़ा कच्चा एलईडी है एकदम धुंधड़, तो उसमें बड़ा कैप आएगा, छोटा एलईडी है तो छोटा कैप आएगा। ये अलग अलग साइज के आते हैं। ये कैप दिखाई दे रहा है, इसी कैप में दो पिन लगा होता है। एक देखिए ये पिन दिखाई दे रहा है, एक इधर और एक इधर। इस पिन का मेन काम होता है होल्डर में फंसाने का काम करता है, बल्ब जो होता है बल्ब उसको लटकाने के काम में आता है। जो दो पिन दिखाई दे रहा है, एक इस इधर और एक इधर, ये पिन का मेन काम होता है होल्डर में फंसाने या लटकाने का काम। अगर ये पिन नहीं रहेगा तो आप बल्ब जो है नहीं लटका पाएंगे, ठीक ना। इसलिए दो पिन को यहाँ पर बनाया गया है जो आसानी से आप उसको लटका सकते हैं। ये है आपका B22 कैप दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिखाई दे रहा है, और 5 मिनट लग जाए। देखिए चलिए B22 कैप समझ में आ गया। जैसे मेरे पास एक होल्डर है, देखिए होल्डर कहाँ गया, ये होल्डर भी देखेंगे आप, ऐसा कोई बात नहीं कि आप होल्डर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सबके घर में होल्डर रहता है। देखिए ये जो होल्डर दिखाई दे रहा है होल्डर, इसी होल्डर में ये जो पिन है, पिन इसी होल्डर में पिन को हम फंसाते हैं तभी बल्ब लटकता है। जैसे देखिए होल्डर में दो यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे हम फंसा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसको हल्का सा ऊपर पुश करना है, ऊपर पुश करके धीरे से इसको नचा देना है। देखिए बैठ गया, फंस गया, दिख रहे हैं अच्छे से, फंस गया ना। अब फिर से इसको निकालना होता है, धीरे से ऊपर पुश करना है, ढकेलना है, धीरे से इसे नचा करके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें अंदर स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग जैसे मोटरसाइकिल का साकर होता है ना, साकर वैसे ही अंदर जो पिन होता है ये इसमें स्प्रिंग लगा होता है, दब जाता है, ठीक है। तो ये है आपका B22 कैप, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर आपका आता है यहाँ पे हाउजिंग। हाउजिंग क्या होता है? हाउजिंग कहाँ गया हाउजिंग? देखिए ये है आपका हाउजिंग, दिखाया था हाउजिंग नाम इसका, हाउजिंग, ठीक है। देखिए ये इसको बॉडी भी बोलते हैं, बॉडी क्या बोलते हैं, बॉडी, इसको बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। एलईडी बल्ब का बॉडी है ये, यानी हाउजिंग है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, पूरा अच्छे से, ये बॉडी बोलिए या हाउजिंग बोलिए, ठीक है, एक ही नाम इसका। इसके अंदर खोखला होता है, अंदर से पूरा खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। देखिए अंदर से पूरा खोखला है कि नहीं है, अंदर से पूरा खोखला है कि नहीं है। इसी हाउजिंग के अंदर, इसी बॉडी के अंदर ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर उसी को फिट किया जाता है। किसको? ड्राइवर को इसी हाउजिंग के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है। यह है हाउजिंग बॉडी, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। इसी हाउजिंग के अंदर हाउजिंग के अंदर ड्राइवर को फिट किया जाता है। देखिए मेरे पास एक ड्राइवर है, ये है आपका ड्राइवर, देखिए आप देखे होंगे, ये है ड्राइवर, दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हैं ओफ ये तो बलापुआ में का है, ये है ड्राइवर, दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिखाई दे रहा होगा यार अच्छे से, ड्राइवर दिखाई दे रहा है। और जूम कर दें, और जूम दिखाई दे रहा है। इसी ड्राइवर को, इसी लोग इसमें गांव में मशीन बोलते हैं, मशीन क्या बोलते हैं, मशीन है, चलिए पाते हैं, हाँ मशीन ही है। चलिए देखिए ये जो आपका मशीन है, ड्राइवर है, ड्राइवर का मतलब होता है जो चलाता है, जो चलाने वाले को बोलते हैं ड्राइवर। यही बल्ब को चलाने का काम करता है। जो एलईडी बल्ब होता है, जो एलईडी लगे होते हैं छोटे छोटे MCPC जो प्लेट होता है, जो पीले नहीं होते एलईडी, उसी को चलाने का काम करता है ये ड्राइवर। तो चलाने वाले को बोलते हैं ड्राइवर, चलाने वालों को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। इस ड्राइवर को इस हाउजिंग यानी बॉडी के अंदर इसको फिट किया जाता है। ये जो ड्राइवर दिखाई दे रहा है, ये ड्राइवर, ये इनपुट वायर है, जो दो वायर दिखाई दे रहा है, ये इनपुट क्या है? इनपुट है, ये दोनों आउटपुट है, क्या है? आउटपुट। देखिए ये इनपुट है, ये दोनों सफ़ेद वाला इनपुट, दोनों ये ब्लैक और रेड वाला आउटपुट है, ठीक है। ये जो हाउजिंग के अंदर देखिए कैसे इसको फिट किया जाता है, देखिए ये अंदर से पूरा खोखला है, देखिए हम फिट करके दिखा रहे हैं आपको, पूरा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे छोटे छोटे चीज लोगों को नहीं पता होता, देखिए हाँ फिट हो गया, देखिए कितना अच्छे से बैठ गया, कितना अच्छे से बैठ गया, कितना अच्छे से फिट हो गया। इसी तरह से इसी हाउजिंग के अंदर ये ड्राइवर इसी प्रकार से फिट रहता है, इसी तरह से इसको फिट किया जाता है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिखाई दे रहा है। देखिए ये है आपका दोनों वायर इनपुट हो गया, ये दोनों वायर आउटपुट हो गया। अब ऊपर से जो इसका कैप है, कहाँ गया, जो B22 कैप है, ये कैप इसको ऊपर से इसको ऐसे पहना देते हैं, देखिए लगा देते हैं इसको, इसको भी लगा देते हैं, लगा दिया, देखिए ये भी बैठ गया। ये निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको पहले से निकाल करके रखे हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी जल्दी निकलता नहीं है, इसके लिए थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। तो ये कैप भी लगा दिए और ड्राइवर भी फिट कर दिए। अब इसके बाद सब आता है हीट सिंक, क्या आता है हीट सिंक, देखिए इसका होता है हीट सिंक ये एल्युमिनियम का होता है, किसका होता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का।
इसका काम होता है, एक प्लेट होता है, एल्युमिनियम का एक प्लेट होता है जो उसको गर्म होने से बचाता है, गर्म होने से बचाता है, हीट होने से बचाता है। ये है आपका हीट सिंक, ये है हीट सिंक, देखिए हीट सिंक, हीट सिंक बोलते हैं। इसी प्लेट पे जो MCPCB प्लेट होती है इसी पे सेट किया जाता है, इसको इसी प्लेट पे फिट किया जाता है, इसको हीट सिंक बोलते हैं। ये एल्युमिनियम का होता है, किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। ये गर्म होने से यानी हीट होने से बचाता है, क्या करने से, हीट होने से बचाता है। इसको देखिए कैसे फिट किया जाता है, देखिए ये जो हाउसिंग है, हाउसिंग के अंदर इसको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छेद छेद दिखाई दे रहा है आपको, होल पतला सा ये वाला, इसी के द्वारा जो दोनों वायर है इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसको बाहर निकाल करके और इसको इस तरह से नहीं बैठ रहा है जी, देखिए इस तरह से बैठ गया, यहाँ फिट हो गया ये भी। अब इसी प्लेट पे यहाँ से दो दो जो वायर था अंदर उसको इस होल से निकाल करके यहाँ पे जो MCPCB प्लेट होता है उसको यहाँ पे चिपका देते हैं, यानी उसको फिट कर देते हैं, और उसके बाद से उसमें सोल्डरिंग करके सोल्डर करके वायर को उसके बाद से काम करना लगता है। तो ये इस पर क्या होता है, MCPCB प्लेट, मेरे पास MCPCB प्लेट था बट पता नहीं कहाँ रख दिया हूँ, याद नहीं आ रहा, ठीक है। कैसे दिखा रहे हैं कि कैसे होता है MCPCB प्लेट आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये जो MCPCB, देखिए ये DOB है, DOB सर्किट में आता है, ये जो बल्ब आता है DOB है, डायरेक्ट ऑन बोर्ड है, ये DOB है। तो इसी तरह से जो MCPCB प्लेट होता है वो छोटा या 7 वाट का आता है, 7 या 9 वाट का आता है, अलग अलग उसका दाम होता है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है MCPCB प्लेट, ये DOB है, DOB यानी इसमें कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ऑन बोर्ड है, इसको डायरेक्ट लगाइए लाइट में, करंट में, होल्डर में, डायरेक्ट जलना शुरू हो जाता है। तो ये होता है आपका DOB सर्किट है, DOB दिखाई दे रहा है। MCPCB मेरे पास प्लेट नहीं है लेकिन इसी तरह से वो भी होता है, इस प्रकार से आप देखेंगे, ये मान के चलिए प्लेट है MCPCB, छोटा सा होता है, 4 कोना का होता है, इसमें क्या होता है LED लगे होते हैं, छोटे छोटे LED लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं आपको MCPCB प्लेट। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे MCPCB प्लेट दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, नहीं देख लीजिए, उसमें छोटे छोटे जो पीला दिखाई दे रहा है वही आपके छोटे छोटे LED होते हैं, ये LED होते हैं, L1 L2 L3 L4 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही MCPCB प्लेट होता है, क्या होता है, इसको चिपसेट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चिपसेट। MCPCB प्लेट को यहाँ देखेंगे, चौथा जो होता है MCPCB प्लेट, इसको चिप सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिप सेट भी बोलते हैं। देखिए MCPCB प्लेट ये 7 या 9 वाट का आता है, 7 या 9 वाट का आता है, इसका अलग अलग दाम भी होता है, 7 वाट का थोड़ा सस्ता, 9 वाट का थोड़ा महंगा, ये अलग अलग वाट का आता है MCPCB, क्या होता है, अलग अलग यानी 7 वाट फिर से 9 वाट, अलग अलग वाट पे आता है MCPCB, ठीक है। MCPCB प्लेट समझ में आ गया, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं MCPCB प्लेट, ठीक है। इसको चिप सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिप सेट, ये छोटा सा प्लेट होता है जिसमें छोटे छोटे LED लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं MCPCB प्लेट, क्या बोलते हैं, MCPCB प्लेट। यहाँ तो सबको समझ में आ गया, ये है आपका DOB बल्ब है, DOB बल्ब, ये डायरेक्ट ऑन बोर्ड, इसको डायरेक्ट बोर्ड में लगा देंगे तो जलने लगता है, इसमें ड्राइवर नहीं होता है, ठीक है, इसमें ड्राइवर नहीं होता है। अब आगे देखिए, अगला जो है आपका आगे यहाँ पे जो कटोरा आप देखेंगे सफेद कलर का कटोरा देखें, इसको बोलते हैं डिफ्यूजर, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर। ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है, कटोरा जैसा होता है, ये प्रकाश को फैलाने का यानी चारों तरफ से क्या करता है, उसको विसरित कर देते हैं, फैलाने का काम कौन करता है, डिफ्यूजर, क्या काम करता है, डिफ्यूजर, ये होता है आपका डिफ्यूजर। यहाँ लिख देते हैं डिफ्यूजर, पाँचवा डिफ्यूजर, जो डिफ्यूजर होता है प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है, डिफ्यूजर, इसको बोलते हैं डिफ्यूजर, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर। देखिए अब हम यहाँ देखें, अब इसको डिफ्यूजर हम कैसे यहाँ फिट करते हैं, देखिए इसको हम हाँ देखिए ये फिट हो गया, अब LED बल्ब बन के तैयार हो गया, LED बल्ब बन के तैयार हो गया आपका, अलग अलग पार्ट खोल दिए थे, फिर से इसको सेट भी कर दिए, कैसे कैसे बताया है आपको समझ में आ गया, वो पहले देखिए, फिर देखिए सबसे ऊपर वाला B22 कैप है, उसके बाद ये जो बॉडी दिखाई दे रहा है बॉडी, इसको बोलते हैं हाउसिंग या बॉडी भी बोलते हैं हाउसिंग, ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डिफ्यूजर, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर, ये प्रकाश को फैलाता है। इसको फिर से खोलते हैं, ये जो आपका हीट सिंक प्लेट है, हीट सिंक एल्युमिनियम का प्लेट होता है, इसी के अंदर ये हाउसिंग के अंदर ड्राइवर फिट रहता है, हाउसिंग के अंदर ड्राइवर फिट रहता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर दो तरह के आता है, एक आता है ड्राइवर HPF, दूसरा जो होता है आपका HPF का मतलब होता है हाई पावर फैक्टर,
हाई पावर फैक्टर जो HPF होता है, HPF ड्राइवर, वो हाई पावर फैक्टर, जैसे ये मान चलिए ये जो LED बल्ब है जिसमें सर्किट एंड ड्राइवर रहता है, जिसमें ड्राइवर रहता है, इसी इसमें जो ड्राइवर होता है उसी ड्राइवर को बोलते हैं हाई पावर फैक्टर, HPF ड्राइवर बोलते हैं। जो हम ड्राइवर दिखाए हैं, देखिए फिर से दिखाए, बैठ गए यार, अब नहीं निकले कभी। इसमें जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर को बोलते हैं HPF ड्राइवर। ये ड्राइवर दिखाई दे रहा है, इसी ड्राइवर को हम बोलते हैं HPF ड्राइवर। क्या बोलते हैं? HPF ड्राइवर बोलते हैं, इसको हाई पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई पावर फैक्टर। HPF ड्राइवर क्या है? HPF ड्राइवर, HPF ड्राइवर। दूसरा जो होता है आपका RC, RC ड्राइवर। क्या होता है? RC ड्राइवर। RC ड्राइवर मेरे पास है नहीं, ठीक ना, ये है HPF ड्राइवर, बस केवल मेरे पास है RC ड्राइवर। देखिए RC ड्राइवर में क्या होता है, जो से छोटा बहुत कम कंपोनेंट लगे होते हैं, उसमें IC वगैरह नहीं होता है, केवल कैपेसिटर रहेगा और फिर से डायोड वगैरह रहते हैं सब। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं और इसमें IC भी लगा होता है, इसलिए इसको हाई पावर फैक्टर बोला जाता है, यानी HPF ड्राइवर इसको बोलते हैं। वो छोटा सा होता है, जो RC ड्राइवर होता है मेरे पास है नहीं, इसमें ड्राइवर मेरे पास नहीं है, जो RC ड्राइवर होता है उनको नहीं है, तो उसके बारे में भी हम समझा, ठीक है। तो ये जो होता है आप HPF ड्राइवर, ये हाई पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत है LED बल्ब के बारे में? LED बल्ब के बारे में कोई दिक्कत है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया LED बल्ब के बारे में? पूरा समझा दिए? सबसे ऊपर वाला B22 कैप, ये आपका हाउसिंग या बॉडी, ये है आपका जो सफेद कलर डिफ्यूजर, जो प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाने का डिफ्यूजर, प्रकाश को फैलाने का डिफ्यूजर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब इसको सब चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।